press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल एसआरजे टेक वर्ल्ड पर, जहां पर मैं आपके लिए ढेर सारी अनबॉक्सिंग्स और लेटेस्ट ट्रिक्स लेकर आता हूं। और दोस्तों, आज मेरे हाथ में आप देख रहे होंगे कि ये है रेडमी 6A। जी हाँ दोस्तों, ये एक बजट फ़ोन है, आपको 6000 रुपीज़ में मिल जाएगा। हाल ही में मैंने एक वीडियो भी बनाई थी कि आपको किस टाइप के फ़ोन खरीदने चाहिए, और मैंने कहा था मैं आपको बताऊँगा उस वीडियो के बाद कि जो बजट फ़ोन आते हैं, आप जिन्हें आसानी से अफोर्ड कर सकते हो, वो फ़ोन्स कैसे होते हैं। तो अभी हम लोग इसकी अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं, साथ ही इसकी काफ़ी सारी डिटेल्स भी मैं आपको दूंगा। और अगर आप इसे परचेस करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रखा गया है, आप वहां से जाके इसे इजीली परचेस कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। तो दोस्तों, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल पर, और मैं इस बजट फ़ोन की अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूं जो कि आपके सामने रखा है। तो आप देख सकते हैं काफ़ी नॉर्मल सी पैकिंग है, कॉम्पैक्ट लुक में पैकिंग की गई है। तो मैं जल्दी से इसको ओपन कर लेता हूं और आपको दिखाता हूं कि किस तरह से जो है ये फ़ोन वर्क करता है, और उसकी पूरी डिटेल्स मैं आपको देने वाला हूं। तो देखिए, मैंने यहाँ पर इसका जो है पॉलीथीन हटा दी है, और सामने अब जो है बॉक्स है, और ये मैं ओपन कर रहा हूँ उसको। तो देख सकते हैं आपके सामने एक जो है स्टैंडर्ड साइज मोबाइल फ़ोन अवेलेबल है, और मैंने इसको अभी निकाल के थोड़ा सा अलग रख लिया है। उसके बाद मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ इस बॉक्स के अंदर आपको क्या क्या मिलता है। बॉक्स के अंदर आपको मिलती है एक यूज़र गाइड, और साथ ही साथ आपको कुछ वारंटी की इन्फॉर्मेशन मिलती हैं, आप देख सकते हैं। अब मैं बात करूँगा इसकी एसेसरीज़ के बारे में। तो यहाँ पर आपको ईयरफोन जो है मिसिंग मिलेगा, और ये आपको मिलता है एक स्टैंडर्ड चार्जर, जो कि सारे जो है स्टैंडर्ड चार्जर के जैसा ही होता है। और साथ में मिलती है आपको एक यूएसबी केबल, जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं चार्जिंग और डेटा ट्रांसफ़र पर्पज़। और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक इजेक्टर टूल आपको मिला है, जिससे आप सिम जो है एंटर करा सकते हैं। बाकी अगर हम बॉक्स की इन्फॉर्मेशन की बात करें, तो यहाँ पर जो स्क्रीन साइज है वो 5.45 इंचज़ का है। जो प्रोसेसर है इसमें वो है हीलियो A22 क्वाड कोर प्रोसेसर, यानी कि 4 गेट है इसमें, जो स्पीड में काफ़ी बेटर रहता है। इसके बाद बैटरी इन्फॉर्मेशन की बात करें, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है हमारी वो है 3000 mAh की, और कैमरा इसका मिलेगा हमें 13 मेगापिक्सल का। तो जो है एक सारे स्टैंडर्ड फ़ोन के फीचर्स इसमें यहाँ पर अवेलेबल है। बाकी ये मेड इन इंडिया है, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर मैंने 2GB और 16GB में गोल्ड लिया है, इसके काफ़ी सारे कलर्स अवेलेबल है, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा दिए हैं सबके डिटेल्स, और आप इसे 32GB में भी परचेज कर सकते हैं। मैंने क्यों नहीं खरीदा है ये मैं आपको वीडियो में बताता हूँ बाद में, कि आपके लिए 16GB लेना ही बेहतर क्यों है। अब मैं इस फ़ोन की बात करता हूँ, तो ओपन करता हूँ इसको सबसे पहले। तो देखिए, मैंने ओपन कर दिया और आपके सामने जो है स्क्रीन सामने बन के आ रही है। तो मैं इसे पावर ऑन करता हूँ, तब तक मैं आपको बताता हूँ कि आपको जो है 16GB ही परचेस क्यों करना चाहिए, आगे के वेरिएशंस क्यों नहीं लेने चाहिए। दोस्तों, अगर मैं इसकी बॉडी की बात करूँ, तो यहाँ पर आपको मिलता है सिम इंसर्ट का टूल, यानी यहाँ पर आप सिंगल सिम डाल सकते हैं, और यहाँ पर भी सिंगल सिम डाल सकते हैं। यहाँ पर जो है आपका हाइब्रिड सिम स्लॉट नहीं है, यानी आप मेमोरी कार्ड अलग से डाल सकते हैं। जब आप अलग से जो है इसमें मेमोरी कार्ड इंसर्ट कर सकते हैं, तो आपको जो है एक्स्ट्रा पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो इसका 32GB वाला मॉडल है वो थोड़ा सा ऊपर चला जाता है, वो आपको 7 के आसपास पहुंच सकता है। तो अभी देखिए फ़ोन हो रहा है स्टार्ट, और मैं आपको जो है डिटेल्स आगे जैसा जैसा आता है वैसे वैसे देता जाता हूँ। तो ये देखिए MIUI 10 पे काम करता है, इसके अपडेट वर्जन आ गए होंगे, आप इसे जो है इंस्टॉल कर सकते हैं अपने। तो मैं इसे जल्दी जल्दी फटाफट स्टार्ट कर लेता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसमें क्या खास है, और मैं आपको कैमरा भी दिखाता हूँ कि इसका किस तरीके से कैमरा काम करेगा। और दोस्तों, मैं अगर इसके फिजिकल लुक की बात करता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका जो है फ्रंट फेस कैमरा है, यहाँ पर आपका सेंसर लगा हुआ है, यहाँ पर आपका सिंगल कैमरा दिया गया जो कि 13 मेगापिक्सल है, और यहाँ पर उसकी वारंटी से पर्पस इन्फॉर्मेशन दी है, यहाँ पर आपका स्पीकर है, और यहाँ पर आपकी पावर बटन प्लस आपकी वॉल्यूम अप एंड डाउन, और आपका ऑडियो जैक यहाँ पर दिया है, और आपका चार्जिंग पोर्ट प्लस माइक यहाँ पर दे रखा गया है। ये साइज में काफ़ी ज़्यादा पतला है, और इसकी ग्रिप जो है बहुत अच्छी देता है, तो आप इसे सिंगल हैंड ऑपरेशन कर सकते हैं। तो मैं इसकी ग्रिप की अगर बात करूँ, तो ये मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, आप यहाँ पर बहुत ही आसानी से जो है इसे होल्ड कर सकते हैं और अपना काम कर सकते हैं। तो अभी मेरा फ़ोन जो है स्टार्ट होने वाला है, और मैं आपको कुछ बेसिक डिटेल्स इसकी बता देता हूँ जल्दी जल्दी में। दोस्तों, अगर हम इसकी बात करें इसके ड्रॉबैक के बारे में, तो जो हमारा मिसिंग है वो यहाँ पर हमारा जो है डुअल कैमरा मिसिंग है, यानी कि अगर हमें ये डुअल कैमरा यहाँ पर मिल जाता, DSLR कैमरा मिल जाता, तो शायद ये और भी थोड़ा सा अच्छा लगने लगता। सेकेंड चीज़ जो हमारी मिसिंग है यहाँ पर, वो है हमारा यहाँ पर बायोमेट्रिक लॉक नहीं है, यानी आप इसे फिंगर से ओपन क्लोज नहीं कर सकते हो। लेकिन जो इसकी खास बात ये है, क्योंकि जो इससे पहले का वेरिएशन था 5A, उसमें आपको जो है ये दोनों ही चीज़ें मिसिंग थी, लेकिन यहाँ पर फेस लॉक आपको दे दिया गया है, यानी कि आप सिक्योरिटी पर्पज़ यहाँ पर फेस लॉक लगा सकते हैं। तो एक ये अच्छी चीज़ मुझे यहाँ पर लगी कि अगर बायोमेट्रिक मिसिंग भी है, तो आप हम यहाँ पर फेस लॉक से इसे एक्सेस कर पाएंगे।
तो मेरे हिसाब से ये एक बजट रेंज में बेस्ट फ़ोन है। इसके साइज की बात करें तो ये साइज सबसे ज़्यादा इसका बेहतरीन है, क्योंकि इस साइज का फ़ोन आपके सिंगल हैंड ऑपरेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है हमारा हो गया है ओपन ये फ़ोन, और यहाँ पर मुझे ये अपडेट दिखा रहा है, तो अभी मैं इसको जो है बंद कर देता हूँ। और यहाँ पर मैं आपको प्ले स्टोर मिलता है, क्योंकि आजकल एमआई फ़ोन में प्रॉब्लम आ रही है कि प्ले स्टोर वो लोग नहीं दे रहे हैं, क्योंकि एक तरीके से गूगल बैन है चाइना में, और जो शाओमी कंपनी है आपकी एमआई कंपनी है वो चाइना की है, तो प्ले स्टोर यहाँ पर प्री इंस्टॉल मिल रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। तो अब हम जल्दी से इसकी सेटिंग्स में चल के आपको कुछ चीज़ें दिखा देते हैं कि आप वो आपके काम की हैं या नहीं है। तो यहाँ पर मैं अबाउट फ़ोन में सबसे पहले चलता हूँ तो दिखा देता हूँ। तो आपको ये वर्क करता है एंड्रॉयड वर्जन 8.1.0 यानी ओरियो वर्जन पर ये काम करता है। सीपीयू के बारे में भी आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, हो सकता है आपको ना दिख रही हो। क्वाड कोर मैक्स 2.00 गीगाहर्ट्ज़ का प्रोसेसर है। रैम की बात करें तो 2 GB है, और इंटरनल स्टोरेज की बात करें तो 8.76 अवेलेबल है, और टोटल जो है इसकी मेमोरी है वो है 16 GB। आप यहाँ पे अलग से कार्ड जो है इंसर्ट कर सकते हैं। तो एक ये नॉर्मल सी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दे रखी गई थी, बाकी जैसा एक MI का जो स्टैंडर्ड फ़ोन होता है बाकी सारी फीचर्स इसमें वही है। तो मेरे ख्याल से ये एक बेस्ट फ़ोन है एक नॉर्मल से बजट में, और काफ़ी बेहतरीन लगता है लुक वाइज भी। अगर आपको ये फ़ोन पसंद आया होगा तो आप इसके लिंक को डिस्क्रिप्शन से जाके चेक कर सकते हैं, वहाँ से देख सकते हैं ये कितने का है, और आपको डिस्काउंट रेट पे ये बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।